एसुस ने आज इंडिया के अंदर एसुस जिनफोन मैक्स प्रो जो है लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइस रखा है दोस्तों 13,000 रुपए। एंड 14,000 रुपए में शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो जो है बिक रहा है, लेकिन वो किसी को मिलता नहीं है फ्लैश सेल के कारण। तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ये जो एसुस जिनफोन मैक्स प्रो लॉन्च हुआ है, ये शाओमी रेडमी नोट 5 प्रो से बेटर है या फिर बेटर नहीं है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे तो यार लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मनोबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ेगा तभी मैं आप लोगों ऐसे ही इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Asus Zenfone Max Pro जो यहां पे लॉन्च हुआ है, ये दो वेरिएंट में आता है। पहला जो वेरिएंट है वो है 3GB एंड 32GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, इसका प्राइस रखा है दोस्तों 11,000 रुपए। जो दूसरा वेरिएंट है 4GB एंड 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ, इसका प्राइस रखा है दोस्तों 13,000 रुपए। एंड Redmi Note 5 Pro जो आता है दोस्तों 4GB एंड 64GB वाला वेरिएंट, उसका प्राइस दोस्तों इंडिया में मिलता है आप लोगों को 14,000 रुपए। और ये जो Asus Zenfone Max Pro है एंड Xiaomi Redmi Note 5 Pro है, दोनों के स्पेसिफिकेशंस दोस्तों काफी कंफ्यूजिंग है। तो स्पेसिफिकेशंस में बाद में आएंगे, पहले बात करते हैं दोस्तों दोनों ही डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी के एंड डिजाइन के बारे में। तो बैक का जो डिजाइन हो दोस्तों वो दोनों का ही सिमिलर मिलता है, एंड बिल्ड क्वालिटी भी दोस्तों दोनों का ही सिमिलर मिलेगा, क्योंकि बैक में आप लोगों को दोस्तों एक मेटल का बैक मिलता है एंड ऊपर नीचे आप लोगों को प्लास्टिक मिलता है दोनों ही डिवाइसेस में। फ्रंट की बात करें तो दोनों ही में आप लोगों को 2.5D कर्व्ड ग्लास मिल जाता है फ्रंट में, 5.99 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। तो दोनों का जो है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो लगभग सिमिलर ही है। यहाँ पे अगर बात करें प्रोटेक्शन की, तो Redmi Note 5 Pro में आप लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाता है, लेकिन Asus Zenfone Max Pro में जो है प्रोटेक्शन मेंशन नहीं किया गया है। बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी दोनों में ही सिमिलर है, डिजाइन भी दोनों का ही सिमिलर है, कैमरा सेटअप जो है वो भी एकदम सिमिलर ही यहाँ पे जो है लगता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा बेटर लगता है डिजाइन के मामले में, Asus Zenfone Max Pro या फिर Redmi Note 5 Pro। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों डिवाइसेस के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। पहले बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो दोनों ही डिवाइसेस में आप लोगों को मिलता है दोस्तों 5.99 इंचेस का एक IPS LCD डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ एंड 18:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। तो दोनों का डिस्प्ले जो है दोस्तों वो दोनों का ही सिमिलर आप लोगों को जो है यहां पे मिलता है। बात करें दोस्तों सॉफ्टवेयर की, तो Asus Zenfone Max Pro में आप लोगों को मिलता है Android Oreo 8.1 आउट ऑफ द बॉक्स, एंड इसके ऊपर कोई कस्टम UI नहीं मिलता है, स्टॉक UI मिलता है। अगर बात करें दोस्तों Redmi Note 5 Pro की, तो ये Redmi Note 5 Pro आता है दोस्तों Android Nougat आउट ऑफ द बॉक्स के साथ, एंड इसके ऊपर आप लोगों को MIUI मिल जाता है। MIUI Xiaomi का अपना कस्टम UI है, जहां पे आप लोगों को काफी सारे इनबिल्ट कस्टमाइजेशंस मिल जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको कौन सा बेटर लगता है, स्टॉक या फिर MIUI। लेकिन लेटेस्ट वर्जन की अगर बात करें Android Oreo 8.1, तो वो Asus Zenfone Max जो है प्रोवाइड कर रहा है। बात करेंगे दोस्तों परफॉर्मेंस की, तो यहां पे दोनों में ही आप लोगों को Qualcomm Snapdragon का 636 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलता है, साथ में Adreno का 509 GPU देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस के मामले में दोस्तों दोनों ही सिमिलर रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 19-20 का डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे Asus Zenfone Max Pro में आप लोगों को मिलता है स्टॉक UI एंड Redmi Note 5 Pro में आप लोगों को मिलता है MIUI, जो कि Xiaomi का अपना कस्टम UI है। अगर बात करें दोस्तों RAM इनबिल्ट स्टोरेज की, तो दोनों ही दोस्तों 4GB एंड 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है, 4GB RAM एंड 64GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आता है। Xiaomi Redmi Note 5 Pro का एक हायर वेरिएंट भी है, जहां पे आप लोगों को 6GB की RAM देखने को मिल जाती है, एंड Asus Zenfone Max Pro का एक लोअर वेरिएंट भी है, जहां पे आप लोगों को 3GB RAM एंड 32GB इनबिल्ट स्टोरेज मिल जाता है। Asus Zenfone Max Pro का लोअर वेरिएंट का जो प्राइस है दोस्तों वो है 11,000 रुपए। जो 4GB 64GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है दोस्तों 13,000 रुपए। Redmi Note 5 Pro का जो 4GB 64GB वेरिएंट है उसका प्राइस है दोस्तों 14,000 रुपए, एंड Redmi Note 5 Pro का दोस्तों जो 6GB वाला वेरिएंट है उसका प्राइस है दोस्तों 17,000 रुपए इंडिया में। अगर बात करें दोस्तों माइक्रो SD स्लॉट कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहां पे दोस्तों Asus Zenfone Max Pro बाजी मार जाता है, क्योंकि यहां पे आप लोगों को मिलता है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, यानी कि आप एक साथ दो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन बात करें Redmi Note 5 Pro की, तो यहां पे आप लोगों को हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, यानी कि आपको एक साथ दो सिम लगाना पड़ेगा या फिर एक साथ एक सिम के साथ एक माइक्रो SD कार्ड लगाना पड़ेगा। तो स्टोरेज को अगर आपको एक्सपेंड करना है, आपका अगर 64GB खत्म हो जाता है, तो आप लोगों को Redmi Note 5 Pro में दिक्कतें आ सकती है, लेकिन यहां पे Asus Zenfone Max Pro में दिक्कत नहीं आएगी। जियो आने के बाद दोस्तों काफी सारे सिंगल सिम यूजर भी जो है यहां पे इंडिया के अंदर डुअल सिम यूजर बन चुके हैं। बात करेंगे दोस्तों कैमरा की, तो दोनों ही आप लोगों को दोस्तों डुअल रियर कैमरा सेटअप मिल जाता है। Asus Zenfone Max Pro का जो सेटअप है वो आप लोगों को मिलता है 13 MP का प्राइमरी सेंसर एंड 5 MP का डेप्थ सेंसर। Redmi Note 5 Pro की बात करें, तो यहां पे आप लोगों को मिलता है 12 MP का प्राइमरी सेंसर एंड 5 MP का डेप्थ सेंसर। तो रियर कैमरा की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो जितने भी अभी तक वीडियो देखे हैं Asus Zenfone Max रिलेटेड एंड Redmi Note 5 Pro रिलेटेड, तो दोनों का जो है रियर कैमरा का परफॉर्मेंस 19-20 यहां पे जो है रहता है। लेकिन फ्रंट कैमरा की अगर बात करें,
तो Asus Zenfone Max Pro दोस्तों प्रोवाइड करता है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ, लेकिन Redmi Note 5 Pro जो है वो प्रोवाइड करता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा सॉफ्ट LED फ्लैश के साथ। तो यहां पे डेफिनेटली फ्रंट कैमरा बेटर मिलेगा Xiaomi Redmi Note 5 Pro में, एंड रियर कैमरा दोस्तों दोनों ही में आप लोगों को बेटर मिलेगा, 19-20 का डिफरेंट मिलेगा। दोनों ही में आप लोगों को दोस्तों पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है रियर कैमरा के थ्रू। अगर बात करें दोस्तों बैटरी की, तो यहां पे Asus Zenfone Max Pro बाजी मार जाता है, क्योंकि यहां पे आप लोगों को मिलता है मैसिव 5000 mAh की बैटरी, एंड Redmi Note 5 Pro में आप लोगों को मिलता है दोस्तों 4000 mAh की बैटरी। तो दोनों ही में दोस्तों आप लोगों को फास्ट चार्जर नहीं मिलता है, तो ये एक माइनस पॉइंट बन सकता है Asus Zenfone Max Pro के लिए, क्योंकि यहां पे 5000 mAh बैटरी होने के कारण इस फोन को चार्ज करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो इसमें फास्ट चार्जिंग जो है देना चाहिए था Asus को इस Asus Zenfone Max Pro के लिए, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी मेरे भी डिवाइस में है Asus Zenfone Max, इसका डाउनग्रेडेड वर्जन, तो इसमें भी जो है दोस्तों चार्ज करने में काफी टाइम जाता है। तो Asus Zenfone Max Pro का जो 5000 mAh बैटरी होगा उसको भी चार्ज करने में काफी टाइम जाएगा। तो ये थे दोस्तों ऊपर के स्पेसिफिकेशंस इन दोनों स्मार्टफोन की। अब अगर बात करें दोस्तों मेरी ओपिनियन की, तो मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि Asus Zenfone Max Pro यहां पे आप लोगों के लिए बेटर ऑप्शन मिल सकता रह सकता है, क्योंकि यहां पे दोस्तों आप लोगों को काफी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलते हैं अगर आप कंपेयर करेंगे Redmi Note 5 Pro से। लेकिन आपके पर्सनल प्रायोरिटीज के अनुसार Redmi Note 5 Pro भी आपके लिए बेटर हो सकता है। आपको अगर अपने डिवाइस में दोस्तों डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट चाहिए, यानी कि आप एक साथ 2 SIM एंड माइक्रो SD कार्ड यूज करना चाहते हैं, आपको अगर ऐसा फोन चाहिए जहां पे स्टॉक UI मिले एंड Android Oreo आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाए, एंड आपको एक ऐसा फोन चाहिए जहां पे आप लोग को मैसिव बैटरी मिले जिसका बैटरी बैकअप काफी बेटर हो, तो वो फोन आप लोगों के लिए Asus Zenfone Max Pro बन सकता है। लेकिन अगर आपको दोस्तों MIUI पसंद है, Xiaomi का जो अपना MIUI आता है, अगर आपको दोस्तों बेटर सेल्फीज चाहिए, तो आपके लिए Xiaomi Redmi Note 5 Pro बेटर हो सकता है। तो ये जो है दोस्तों दोनों कैटेगरीज है, आपको अगर ये चीजें चाहिए तो आप जाइए Asus Zenfone Max Pro के तरफ, आपको अगर ये चीजें चाहिए तो आप जाइए Xiaomi Redmi Note 5 Pro के तरफ। मेरे हिसाब से Asus Zenfone Max Pro का 3GB एंड 32GB वाला वेरिएंट जो 11000 रुपए में आता है, वो 11000 में काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस यहां पे जो है। लेकिन यहां पे 4GB 64GB वेरिएंट है, वो भी काफी एक अच्छा कॉम्पैक्ट डिवाइस है। Xiaomi Redmi Note 5 Pro के लिए काफी कड़ी टक्कर यहां पे बन चुका है Asus Zenfone Max Pro, एंड Xiaomi Redmi Note 5 Pro के फ्लैश सेल के कारण काफी लोग जो है तंग आ चुके हैं, वो डिवाइस मिलता ही नहीं है। देखते हैं दोस्तों Asus Zenfone Max Pro यहां पे स्टॉक में रहता है या फिर नहीं रहता है, फ्लैश सेल का यहां पे ड्रामा चलता है या फिर नहीं चलता है। अगर Asus वाले यहां पे Asus Zenfone Max Pro का स्टॉक सही से लाएंगे इंडिया के अंदर, तो शायद से Redmi Note 5 Pro जो है थोड़ा सा दब सकता है। आपके अपने राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है या तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी को, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं पहली बार देख रहे थे तो हो सके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।